1 जनवरी 2017 मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया, एक कसम खाई कि इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल के रख दूंगा, जो सोचा है वो करके रहूंगा। फिर 6 महीने बाद मेरे अंदर से एक आवाज आई, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। 1 जनवरी 2018, इस बार मैं प्रिपेयर था। मैंने नए गोल्स बनाए और एक बेटर प्लान बनाया। मैंने सोच लिया था कि इस साल तो मैं अपने गोल्स अचीव करके ही रहूंगा, बट इस बार तो ये 6 महीने बहुत तेजी से भी थे। मुझे लगा शायद और बेटर प्लान करना पड़ेगा। फिर ये आवाज आई, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम मेरे गोल्स में नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है ये तो मुझे अच्छे से पता है। बट यू नो रियल प्रॉब्लम क्या थी, लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए मुझे ये नहीं पता था। एंड आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये इंसान फिजिकली वीक है या स्ट्रांग, सोचो। अब बताओ क्या ये इंसान फिजिकली वीक है या स्ट्रांग, और अब बताओ क्या ये इंसान फिजिकली स्ट्रांग है या वीक। इस सवाल का जवाब क्या है, एक्चुअली देयर इज नो डेफिनेट आंसर। जैसे जैसे आप इस इंसान को किसी और के साथ कंपेयर करते जाओगे, इस सवाल का जवाब भी उस कंपैरिजन के साथ बदलते जाएगा। नाउ ध्यान से समझना, सोचो अगर ये इंसान खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहता है, तो जब भी ये खुद को किसी वीक इंसान के साथ कंपेयर करेगा, ये सेटिस्फाइड फील करने लगेगा। इसे लगेगा कि शायद ये स्ट्रांग है, इसे खुशी होगी और इसका एटीट्यूड, इसके इमोशंस उस कंपैरिजन की वजह से बदल जाएंगे। अब अगर ये इंसान खुद को किसी और फिजिकली स्ट्रांग इंसान के साथ कंपेयर करेगा, तो ये खुद को वीक ही समझेगा, इसके इमोशंस फिर उस कंपैरिजन की वजह से बदल जाएंगे। नाउ क्या ये कंपैरिजन पूरी तरह गलत है? नहीं, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस कंपटीशन में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप खुद के रिजल्ट्स को अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई या नहीं, या क्या किसी और को उस एग्जाम, उस कंपटीशन के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। फिर आप उस इंसान से सीख सकते हो, दिस इज हेल्दी, और फिर आप अपनी मेहनत को और बेटर कर सकते हो। बट अगर आप इसी चीज को अपनी डेली लाइफ और अपनी सोशल लाइफ में अप्लाई करने लगोगे, और लाइफ की हर एक चीज के लिए आप यही कंपेयर करने का तरीका अपनाओगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त की सैलरी आपसे ज्यादा है, तो आपको दुख क्यों होता है? दुनिया में उस सैलरी से ज्यादा पैसा कमाने वाले करोड़ों लोग हैं। किस किस के साथ खुद को कंपेयर करोगे? क्या पूरी जिंदगी बस लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते रहोगे? नहीं, राइट? क्योंकि सोशल कंपैरिजन का कोई अंत है ही नहीं। आप जितने मर्जी वेल्दी क्यों ना हो जाओ, कोई ना कोई आपसे ज्यादा वेल्दी जरूर होगा। अगर आप इलॉन मस्क नहीं होता, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो किसी और के पास नहीं है, और अपनी कमजोरियों पर मेहनत करते रहो, बस इतना ही करना है, कंपेयर नहीं। पॉइंट नंबर 2, नॉट अंडरस्टैंडिंग ट्रू ग्रोथ। लोग बड़ा बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, एक बेटर लाइफ चाहते हैं, पर ये सब अचीव करने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है उसे ठीक से समझते नहीं है। देखो, एक खाली उपजाऊ जमीन पर अगर कई सारे अलग अलग तरह के बीज फेंक दिए जाएं तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद उन बीजों की वजह से उस जमीन पर पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, कुछ पौधे बड़े होने लगेंगे, कुछ छोटे ही रह जाएंगे, कुछ बस इतने ही बड़े हो पाएंगे जितनी बड़ी उस जमीन पर घास होती है। लेकिन कुछ बीज वक्त के साथ पेड़ बन जाएंगे, वो उगते ही चले जाएंगे, दिन बर दिन बड़े होते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पेड़ के सामने वो बाकी पौधे बहुत छोटे लगने लगेंगे। अब सोचो इस चीज का हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है? ये बताओ, जब मौसम खराब होता है, ओले पड़ते हैं, तो पहले पेड़ पर गिरते हैं या नीचे जो घास होती है उस पर गिरते हैं? जब आंधी आती है तो आंधी का सामना पेड़ को ज्यादा करना पड़ता है या नीचे जो घास होती है उसको? पेड़ ऊंचा होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसकी लड़ाई भी बड़ी होती है। हर किसी की इतनी औकात नहीं होती कि पेड़ को कुचल कर चला जाए। लेकिन एक मैदान में जहां बाकी सिर्फ घास और पौधे हों, आंधियों के साथ पेड़ को अकेले ही लड़ना होता है। विच मीन्स, जब आप लाइफ में ग्रो कर जाते हो, आम लोगों से आगे बढ़ जाते हो, तो आपके चैलेंजेस भी स्पेशल हो जाते हैं। जो चैलेंज एक आम इंसान अपनी जिंदगी में फेस करता है, भले ही अब वो चैलेंजेस आपके लिए कुछ भी ना हो, पर आपको अपनी लाइफ के स्पेशल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसका सॉल्यूशन आपको उन आम लोगों के पास शायद ना मिले। और लग्जरी के साथ साथ ग्रोथ का ये भी एक पहलू होता है। सो इफ यू वॉन्ट ग्रोथ, बी रेडी फॉर बिगर चैलेंजेस। थर्ड पॉइंट, द समडे इल्यूजन।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे एक्सप्लेन करना भी उतना ही सिंपल है। ध्यान से समझना, खाना खाने के लिए क्या आप किसी स्पेशल दिन का इंतजार करते हो? सांस लेने के लिए कैलेंडर का कौन सा दिन बेस्ट होता है? क्या खाना खाने के लिए या सांस लेने के लिए 1 जनवरी का वेट करना पड़ता है? नहीं, राइट? बट क्यों? जवाब दो। क्योंकि खाना खाना या सांस लेना कोई ऑप्शनल काम नहीं है। जिंदा रहने के लिए ये काम जरूरी है, ऑप्शनल नहीं। अगर एक भी दिन हम सांस ना लें तो हम मर जाएंगे। ठीक इसी तरह ये सेम चीज हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स पर भी अप्लाई होती है। कुछ लोगों के लिए उनके ड्रीम्स ऑप्शनल नहीं होते। अपने ड्रीम्स पर डेली काम करना उनके लिए एक ऑप्शन नहीं होता बल्कि जरूरत होती है। एंड उन्हें ये भी क्लियरली पता होता है कि जरूरी चीजों पर काम करने के लिए किसी स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि रोज मेहनत करनी पड़ती है। सो अपने ड्रीम्स पर काम करने के लिए किसी मंडे या किसी 1 जनवरी का इंतजार मत करो, बिकॉज देयर इज नो स्पेशल समडे। ऑल यू हैव इज टुडे, स्टार्ट नाउ। पॉइंट नंबर 4, परफेक्ट प्लान ट्रैप। व्हाट इज प्लानिंग? एक्चुअली प्लानिंग इज गेसिंग। हम अगले सेकंड में क्या होने वाला है ये नहीं जानते। अगले दिन क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है। आप भगवान नहीं हो तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी हम फ्यूचर को प्लान करते हैं क्योंकि प्लानिंग से हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, विच इज गुड। बट सम पीपल फॉल इन द प्लानिंग ट्रैप। कुछ लोग प्लान सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वो चीजों को कल पर टाल सकें। आज उनके पास बहुत टाइम होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ उसी दिन कर सकते हैं, पर नहीं, वो उस कंट्रोल वाली फीलिंग की वजह से एक परफेक्ट प्लान बनाने बैठ जाते हैं और अपना टाइम बस प्लानिंग में ही वेस्ट कर देते हैं। फिर अगला दिन आता है और फिर वही सेम चीज रिपीट होती है। एंड दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग ट्रैप, अवॉइड दिस। एंड यस, फाइनली दोस्तों, ये थी वो 4 हैबिट्स, वो 4 पॉइंट्स जो आपको अपनी लाइफ में जरूर अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ पाओ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।